नवरात्रि के सप्तमी पर शनिवार को तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ने भव्य चुनरी यात्रा निकाली। सुबह गोरीधाम में विधायक रवि जोशी ने सप्तनिक पूजन अर्चन किया। यहां से माता के जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई। बड़ी संख्या में महिला पुरुष यात्रा में शामिल हुए। आगे आगे कई श्रद्धालु डीजे पर भक्तिमय भजनों पर नृत्य कर रहे थे और उत्साह के साथ माता रानी के जयकारे लगा रहे थे। आलम यह था कि जगह जगह से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे थे और पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार कर रहे थे। यात्रा गणेश मंदिर पहुंची। यहां से भक्त वाहनों में सवार होकर बड़ी विजयासिनी मंदिर सैंधवा पहुंची। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी भक्त मंडल और रवि जोशी मित्र मंडल के नेतृत्व में खरगोन शहर और खरगोन के आसपास सैंधवा जिले के महाराज बॉर्डर पर बड़ी विजयासिनी माता के दर्शन के लिए हम निकलते हैं। खरगोन शहर की तमाम माताएं उनकी महालक्ष्मी माता के दर्शन, सैंधवा में लालबाई फूलबाई, सेगांव में लालबाई फूलबाई माता जी के दर्शन, उसके पश्चात विजयासन में बड़ी विजयासन माता जी के दर्शन करते हैं। हजारों की तादाद में माता बहन और भाई लोग रहते हैं। 100 से अधिक बसे और 300 से अधिक गाड़ियों के साथ हम माता बहनों को लेकर चुनरी यात्रा और देवी दर्शन के रूप में बड़ी विजयासन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में ऊन और सेगांव में लालबाई फूलबाई माता जी के दर्शन के पश्चात फलहार प्रसादी, चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी लेने के बाद सैंधवा पहुंचेंगे, जहां बड़ी विजयासन में भी हमारे साथी दीपक सोनी जी के परिवार द्वारा वहाँ फलहार की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था की गई है। शाम तक यात्रा के प्रस्थान वापसी होगी और माता जी के सब दर्शन करके माता हमारी निमाड़ की खूब मनोकामनाएं पूरी करे, निमाड़ की जनता की मनोकामना पूरी करे, सुख शांति समृद्धि और अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल पके, इस कामना के साथ हम ये यात्रा कई वर्षों से माता बहनों को लेकर निकालते हैं और सबकी मंगल काय मंगल कामनाएं पूरी होती है। जय माता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।